दोस्तों कल मोस्टली गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों एक साथ ही आ गई हैं। गुड न्यूज तो यह है कि आने वाली आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की रिगार्डिंग एक ऑफिशियल सिलेक्शन प्रोसीजर का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि भाई इस बार टोटल कितनी वैकेंसीज रहेंगी, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जा सकता है, इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, एज लिमिट कब से कब तक कैलकुलेट होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग इस बार क्या मांगी जाएगी, इतना ही नहीं दोनों पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आपको पता है सैलरी इंक्रीज हो चुकी है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इस बार आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, जो कि अपने आप में काफी बढ़िया सैलरी रहेगी। एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। बैड न्यूज क्या है वो आगे इस वीडियो में आपको बताने ही वाला हूं। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू कर दें, क्योंकि काफी लोगों की डिमांड आ चुकी है कल से ही इस वीडियो की। देखिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, वे टू सक्सेस की ये जो दोनों सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक है, अब हमने इनके साथ लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर ओवरडोज मैगजीन का कॉम्बो क्रिएट कर दिया है। अब आप तीनों बुक को एक साथ परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों गुड न्यूज से, तो फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर अपडेट आ चुका है। देखिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन में पूरा प्रोसीजर डिटेल से समझा रखा है कि इस बार फेज फर्स्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को खुद आरआरबी ही कंडक्ट कराएगा, फेज सेकंड जो होगा फिजिकल टेस्ट वो आरपीएफ कंडक्ट कराएगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ आरपीएफ कंडक्ट कराने वाला है। अगर कुछ चेंजेस हुए हैं आगे इस वीडियो में आपको नोट डाउन करा दूंगा। देखिए दोस्तों गुड न्यूज तो अपने आप में बहुत बड़ी है कि 5 साल का लंबा वेट करने के बाद फाइनली आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ रही है। लेकिन इस गुड न्यूज के साथ बैड न्यूज ये है कि इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी कम देखने को मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2250 यानी कि 2250 ही रहने वाली है, जिसमें से कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर अराउंड 2000 वैकेंसीज रहेंगी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर अराउंड केवल 250 वैकेंसीज रहने वाली है, और इनमें से भी 10% वैकेंसीज रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए और 15% वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व करी गई है। और दोस्तों सबसे शॉकिंग अपडेट तो यह है कि ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आरपीएफ और आरपीएसएफ दोनों फोर्स को मिलाकर निकली है, मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स दोनों के अंदर ही कुल इतनी वैकेंसीज निकली है। तो इस बार इसी चीज ने सबको बुरी तरीके से झटका दिया है कि वैकेंसीज इतनी बुरी तरीके से कैसे डिक्रीज हो सकती हैं। और दोस्तों ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके कैटेगरी वाइज तो डिवाइडेड रहती ही हैं, साथ ही रेलवे के रीजन वाइज और जोन वाइज भी वैकेंसीज को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा 2018 में भी वैकेंसीज को इसी तरीके से डिवाइड किया गया था। फाइनली बात करते हैं इस फॉर्म की फीस कितनी होती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ₹500 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, एससी एसटी फीमेल्स के लिए ₹250 फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, सारी जानकारी आगे मैं आपको दूंगा, पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट रहेगी कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए 20 से 25 साल एज लिमिट रखी जाती है, जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है इस बार 1 जुलाई 2024 को हो सकती है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कि अगर इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन 1 जुलाई से पहले जारी किया जा रहा है तो एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक, अगर 1 जुलाई 2024 के बाद नोटिफिकेशन जारी होता है तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज लिमिट कैलकुलेट होगी, लेकिन वो बहुत दूर हो जाएगा, नोटिफिकेशन आपका अभी आ जाएगा, वैकेंसी आपकी अभी स्टार्ट होगी जल्दी, इसलिए 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज कैलकुलेट होगी इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर अगर आपने 10th पास कर रखे आप एलिजिबल है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि इस बार जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपको एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि इस बार खुद जिम्मेदारी लेने जा रहा है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फेज सेकंड आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट, वेट, हाइट मेजर होता है।
तीसरा फेज जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चौथा फेज आपका मेडिकल एग्जामिनेशन का है। तो चलिए एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या फिर कॉन्स्टेबल की पोस्ट हो, एग्जाम केवल एक ही कंडक्ट कराया जाता है। और अच्छी बात यह है कि इसके एग्जाम में इंग्लिश सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। दोनों का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है। कॉन्स्टेबल का 10th लेवल का एग्जाम है और भाई सब इंस्पेक्टर का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होता है। तो भाई एग्जाम टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट हमारा इसमें जनरल अवेयरनेस है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 मार्क्स के अंदर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। दूसरा सब्जेक्ट हमारा अर्थमेटिक, यानी कि बेसिक अर्थमेटिक, बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का रहता है, 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का आपका एग्जाम रहता है। 90 मिनट मतलब डेढ़ घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके एग्जाम सिलेबस को भी। चाहे दोस्तों सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो या फिर कांस्टेबल की पोस्ट हो, दोनों ही पोस्ट का डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिए। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि भाई इस बार कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस कर रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एग्जाम होने के बाद रीजन वाइज, जोन वाइज, कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप इसकी सेकंड स्टेज मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। और इस कट ऑफ को इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम मतलब 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। क्लियर है? तो चलिए अब फाइनली समझते हैं फिजिकल टेस्ट के प्रोसीजर को। फिजिकल टेस्ट में आपका पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट मेजर होगी, चेस्ट मेजर होगी, वेट मेजर होगा। साथ ही पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप होने वाला है। देखिए दोस्तों, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की पोस्ट का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम हाइट मांगी गई है, बिल्कुल सेम चेस्ट की रिक्वायरमेंट इसमें रखी गई है। देखिए दोस्तों, मेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। फीमेल इन सभी कैटेगरी की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर मेल एसटीएससी की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है। वहीं पर फीमेल एसटीएससी की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। मेल कैंडिडेट की चेस्ट भी मेजर होगी। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देना होगा, जिसके बाद आपकी मिनिमम चेस्ट 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर एसटीएससी कैंडिडेट्स को चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, जहां पर आपकी मिनिमम चेस्ट 76.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आफ्टर एक्सपेंशन फुल आउट के बाद आपकी मिनिमम चेस्ट 81.2 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। पीएमडी के बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें से सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है, जो कि आपको 6:30 के अंदर क्वालिफाई करनी है। साथ ही सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 12 फीट का एक लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है आपका 3 फीट 9 इंचेस का। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर मेल कैंडिडेट्स का मैंने आपको बताया। वहीं पर सब इंस्पेक्टर फीमेल कैंडिडेट्स का भी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट सुन लीजिए, आपके लिए केवल 800 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। लॉन्ग जंप आपके लिए केवल 9 फीट है और हाई जंप आपके लिए केवल 3 फीट है। वहीं पर कांस्टेबल की पोस्ट का भी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट सुन लीजिए, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में क्वालिफाई करनी होगी। वहीं पर 14 फीट का आपका लॉन्ग जंप रहेगा और 4 फीट का आपका हाई जंप रहेगा। फीमेल कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आपके लिए रनिंग 800 मीटर ही है, लेकिन यहां पर आपको 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करके दिखानी है। 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप है और 3 फीट का आपका हाई जंप है कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर। क्लियर है? समझ आ गई सारी चीज? स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश हो रही थी, नोट कर लीजिएगा। समझ गए? देखिए दोस्तों, पूरा फिजिकल जो है ना वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। फिजिकल टेस्ट होने के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं और सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर आपको सबमिट करानी होती है। डॉक्यूमेंट जैसे कि एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको ले जाना होगा, 10th की मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट ले जाना होगा कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। अगर आपने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो जो आपके ग्रेजुएशन है उसकी डिग्री या फिर पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट आपको फाइनल ईयर की वहां पर दिखानी होती है। साथ ही अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी एसटी एससी से आपने रिजर्वेशन लिया है, तो आपको स्पेशल कैटेगरी का वो सर्टिफिकेट भी लेकर दिखाना होता है। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको ले जाने होते हैं, ठीक है, सेल्फ टेस्टेड करके ये आपको वहां पर सबमिट करने होते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपका होता है। क्लियर है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीपली होता है, हालांकि केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन ये आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी इसमें लापरवाही दिखाई। क्लियर हुआ डाउट?
अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं मेडिकल टेस्ट की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल टेस्ट में आप पहुंचोगे। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है। कौन कौन से टेस्ट आपके होंगे सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन दे रखी है, टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि भाई इसमें हियरिंग रेंज कितनी मांगी गई है, फिर आईसाइट की रेंज कितनी मांगी गई है, कलर ब्लाइंडनेस है या फिर नहीं है, टैटू का साइज कितना होना चाहिए, सारी जानकारी इसमें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है। क्लियर है। फाइनली बात करते हैं, अगर आप इसके मेडिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर ले तो फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन केवल एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम आपका 120 नंबर का था तो एक कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 120 नंबर में से। ये कट ऑफ आपकी रेलवे के रीजन वाइज और रेलवे के जोन वाइज, जिस भी रीजन से जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा आपकी कट ऑफ अलग बनेगी, और कैटेगरी वाइज ओबीसी एसटी एससी जनरल ईडब्ल्यूएस इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 120 नंबर में से। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट की कट ऑफ अलग बनती है, कांस्टेबल की पोस्ट की कट ऑफ अलग बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ बनेगी 120 नंबर में से, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपकी कट ऑफ बनती है। अगर आप इस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली बात करते हैं कि सैलरी इस बार कैसे आपको इसमें बढ़ के मिलेगी, वो मैं क्यों बोल रहा था। कांस्टेबल की पोस्ट आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 3 की सैलरी आपको मिलती है। इस बार इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी ही 40,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेज, क्योंकि दोस्तों ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जॉब है और आपको पता ही है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उनकी बेसिक सैलरी का 46% अब डीएनएस अलाउंस ही मिलता है। तो आपका डीएनएस अलाउंस काफी बढ़ चुका है, 40% हो चुका है आपकी बेसिक सैलरी का, जो कि आपको आपकी सैलरी में काफी बढ़िया इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 6 की सैलरी मिलती है, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 52,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस, तो काफी बढ़िया सैलरी आपको देखने को मिलेगी। समझ गए, जो प्रोफाइल आपको पता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ये पोस्ट है हमारी, काफी बढ़िया काम आपका होता है, रेलवेज को प्रोटेक्ट करने का काम आपका होता है। ठीक है, जैसे भी कोई भी स्टेट पुलिस काम करती है ग्राउंड लेवल पर, सिविल पर, आप रेलवे के क्षेत्र में काम करते हो एज अ पुलिस या फिर प्रोटेक्शन फोर्स। समझ गए, जॉब लोकेशन आपकी जिस भी रीजन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, जिस भी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, फाइनली उसी जोन में उसी रीजन में आपकी जॉब लोकेशन भी रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन काफी हद तक आपके ऊपर ही मैटर करती है, आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर मैटर करती है। फाइनली बात करते हैं कि भैया ऑफिशियली वैकेंसी कब आ रही है, इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा पब्लिकली, और ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, वैकेंसी आपकी बहुत ही जल्दी आने वाली है, आने को वैकेंसी आपकी कल आ जाए, दो दिन बाद आ जाए या फिर नेक्स्ट मंथ, लेकिन वैकेंसीज आपकी गारंटीडली आ रही है कि इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 99% चांसेस है कि फरवरी मंथ में आपको वैकेंसी देखने को मिले। काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं, मैं भी आपको यही बोल रहा हूं, और 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज वगैरह या फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ कैलकुलेट होंगे। तो वैकेंसीज आपकी बहुत ही जल्द आने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इमीडिएट लिख रखा है कि भाई जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लो, जल्द से जल्द इसको अप्लाई करो। ठीक है, तो वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द आने वाली है, तैयारी जारी रखिए। बाकी मैंने भी आपके लिए कुछ प्लानिंग कर रखी है इस बार एग्जाम के लिए, और वैकेंसीज आपकी इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर की वैकेंसीज में जोड़ दी गई तो फिर आपकी वैकेंसी काफी बढ़िया इसमें देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर कोई भी अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, चैनल के ऊपर बनी रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।